हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ पटेल दीक्षिता, अश्वमिक विद्यालय, किला पाड़ी। एंड टुडे वी आर लर्न अबाउट स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट साइंस, यूनिट नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड्स, इन दिस यूनिट वी आर लर्न अबाउट सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ, एल्गी एंड फंगी। And we learn about these microorganisms say, okay. Then we learn about where do microorganisms live. Microorganisms कहाँ पे रहते हैं? So microorganisms are everywhere. Then we learn about some friendly microorganisms and uses of microorganisms like commercial use of microorganisms, medical use of microorganisms, then increasing soil fertility, means soil fertility में microorganisms कैसे रोल होता है उनका, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। then cleaning the environment, environment cleaning में कैसे microorganisms useful होते हैं। then we learn about some harmful microorganisms, means बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी वजह से डिजीज़ होती है। सो वी लर्न अबाउट डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन लाइक मलेरिया, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, ओके, हेपेटाइटिस एंड सम अदर डिजीज, ओके। देन वी लर्न अबाउट डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल एंड इन प्लांट लाइक साइट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ वीट, येल्लो वीट, मजिक ऑफ भिंडी। देन वी लर्न अबाउट फूड पॉइजनिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन। इन द लास्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट सम मेथड ऑफ फूड preservation like chemical method, preservation by common salt and preservation by sugar. Now we learn about preservation by oil and sugar. So today we learn about the fourth method of preservation is preservation by oil and sugar. So use of oil and vinegar. Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. Means oil and vinegar का use कहाँ पे होता है? Pickle को spoil से बचाने के लिए, because bacteria cannot live in such an environment. So oil and vinegar से जो एनवायरनमेंट बनता है उसमें बैक्टीरिया लीव नहीं रह सकते, मींस नहीं जी सकते। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। फ्रेंड्स, जब हमारे घर पे फिश या मीट लाते हैं तो उसे क्या किया जाता है? ऑयल में उसे पूरा कवर्ड करके रखा जाता है ताकि उस पर बैक्टीरिया ना लगे और वो स्पॉइल नहीं हो, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑयल एंड विनेगर की बहुत सारे, जैसे कि वेजिटेबल्स मीन्स सैलेड बनाते हैं तो सैलेड में विनेगर का यूज़ करते हैं बिकॉज जो सैलेड है उस पर बैक्टीरिया ना लग सके, ओके। नाउ द फिफ्थ मेथड ऑफ दिस टॉपिक मीन्स fifth method of food preservation is heat and cold treatment. You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. So हम क्या करते हैं, जो हम घर में milk लाते हैं तो वो milk को क्या करते हैं, boil करते हैं। Boil kills many microorganisms. So friends, अब जब मिल्क को बॉईल करते हैं मींस उससे हीट देते हैं तो उसमें जो टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर हाई होता है, उसकी वजह से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल मींस मर जाते हैं, ओके। सिमिलरली
वी कैप्ट ओवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। सो फ्रेंड्स, हम सबके घर पे रेफ्रिजरेटर तो होता ही है, बिकॉज जो वेजिटेबल्स है वो हम किस में रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में, बिकॉज उसे कोल्ड टेम्परेचर में रखते हैं। वाई? बिकॉज उसे कोल्ड टेम्परेचर के में रखने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनका ग्रोथ नहीं होगा, वो ग्रोथ नहीं करेंगे और वो वेजिटेबल्स जो है वो स्पॉइल नहीं होगी। लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मीन्स हाई टेम्परेचर में जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं, उसी तरह लो टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ नहीं होता। सो फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनको ग्रो को नहीं बढ़ाने के लिए, मींस बढ़ने से रोकने के लिए, उसके ग्रोथ को रोकने के लिए क्या होता किया जाता है, उसे लो टेम्परेचर में किसी भी सब्सटेंस को लो टेम्परेचर में रखने से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, लुक एट हियर, बुजो सेज व्हाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल, मीन्स जो पैकेट में जो मिल्क आता है वो स्पॉइल क्यों नहीं होता। माई मदर टोल्ड मी दैट मिल्क इज पैश्चराइज। वॉट इज पैश्चराइजेशन? पैश्चराइजेशन क्या है? पैश्चराइजेशन मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। जो प्रेशराइज मिल्क है वो कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, उसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से फ्री होता है, मीन्स उसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 17 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 minutes 30 seconds एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। सो मिल्क को क्या किया जाता है? 70 डिग्री सेल्सियस से हीट किया जाता है फॉर ओनली 15 to 30 seconds 15 to 30 seconds के लिए उसे हीट किया जाता है। सो उसमें जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किल हो जाते हैं एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। चिल्ड मीन्स बहुत ही ज़्यादा कूल कर दिया जाता है, उसे चिल करके स्टोर कर दिया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, मींस उसे क्या होता है, माइक्रोब्स का जो ग्रोथ है वो प्रिवेंट्स मींस बढ़ नहीं सकता, वो ग्रोथ वहीं पे स्टॉप हो जाता है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पैश्चर। ओके, किसने डिस्कवर किया था? दिस प्रोसेस वॉज, प्लीज अंडरलाइन दैट, दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुईस पैश्चर। लुईस पैश्चर ने इसे डिस्कवर किया था, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है, इट इज कॉल्ड पैश्चराइजेशन। इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या रखा गया है? पैश्चराइजेशन। सो फ्रेंड्स, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है या फिर डिफाइंड वर्ड में पूछा जा सकता है कि वॉट इज पैश्चराइजेशन। सो ये पूरा मेथड आपको राइट करना होगा। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 17 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुईस पैश्चर, इट इज कॉल्ड पैश्चराइजेशन। सो वॉट इज पैश्चराइजेशन, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ द मूव नेक्स्ट टॉपिक, स्टोरेज एंड पैकिंग। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता ही है कि फूड जो है वो हम बाहर से कुछ भी फूड लेते हैं लाइक वेफर्स, केक्स, बिस्किट्स, तो ये सब क्या है, पैक हो के आता है। ओके, तो स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruit and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. So, आप सब जानते ही हो कि ड्राई फ्रूट से लेके इवन
वेजिटेबल्स तक सब जो है वो किस में पैक होके आता है, एयरटाइट पैकेट्स में पैक होके आता है, बिकॉज प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक इससे क्या हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है. ओके सो इसीलिए उसे कहाँ स्टोर किया जाता है, एक बैग में पूरा पैक करके फिर उसे मार्केट में लाया जाता है. ओके लाइक आप देखोगे पिकल, बिस्किट, चॉकलेट्स, ब्रेड या फिर बहुत सारे अदर आइटम्स ऐसी है, एवरी आइटम इज पैक्ड इन एयर टाइट पैकेट. ओके सो इससे क्या होगा, माइक्रोब्स का जो अटैक है वो प्रिवेंट हो जाएगा, मीन्स स्टॉप हो जाएगा. ओके सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन. फर्स्ट वन इज केमिकल मेथड, जिसमें सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट से क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है. देन कॉमन सॉल्ट, जिससे फिश एंड मीट को पूरा कवर करके उसे ड्राई किया जाता है, देन उसे स्टोर किया जाता है. देन प्रिजर्व बाय शुगर लाइक जैम, जेली एंड स्क्वैशिश को शुगर से प्रिजर्व किया जाता है, बिकॉज शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर एंड कंस्टेंट विच इनहिब्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड. वो क्या करती है, शुगर जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को रिड्यूस करके जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो उसे स्टॉप कर देती है. ओके एंड जैम्स, जेली एंड स्क्वैशेस जैसे फूड को स्पॉइल होने से बचाती है. सो प्रिजर्व बाय शुगर एंड देन प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. सो ऑयल एंड विनेगर से प्रिजर्व किया जाता है, लाइक मीट, चिकन, फिश को ऑयल से कवर कर दिया जाता है एंड उसे स्पॉइल होने से बचाया जा सकता है. देन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को विनेगर में प्रिजर्व किया जाता है. देन हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट लाइक मिल्क, मिल्क को बॉयल करने करके रखने से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे एंड मिल्क बॉयल होने की वजह से वो स्पॉइल नहीं होगा. सो देन वी लर्न अबाउट पाश्चराइजेशन. पाश्चराइजेशन किसे बोलते हैं, सो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. एंड देन लास्ट वन इज स्टोरेज एंड पैकिंग, कैसे पैकिंग करके उसको स्टोरेज किया जाता है. सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके सो थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ.